हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सो गाइस, आप अगर एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपके मोबाइल में ये स्क्रीन रिकॉर्डर होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी मदद से आप मोबाइल से जुड़ी वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है उसी स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से। तो चलिए हम बताते हैं वो कौन सा ऐप है और उस ऐप को कैसे यूज़ करते हैं। जानने से पहले, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको और वीडियो सारी नई नई वीडियो की अपडेट देते रहें। तो गाइस, हम सीधा आपको प्ले स्टोर पर ले चलते हैं और उस ऐप को यहाँ पर लिखते हैं। उस ऐप का नाम है ए टू जेड वीडियो रिकॉर्डर। आप देख सकते हो कि इसके 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है, तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी अच्छा ऐप होगा। और इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो देखो मैं उसी के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर रखा है। तो जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे तीन ऑप्शन है अभी तो फ़िलहाल, ये प्ले है। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये वीडियो भी पॉज हो गई थी, अब ये दोबारा प्ले हो गया। और स्टार्ट कहाँ से होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि चलो चलते हैं उस पर। ए टू जेड को हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अभी तो फ़िलहाल ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। यहीं से आप रिकॉर्ड कर सकते हो और इसको सेव कर सकते हो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये वीडियो ऑटोमेटिक सेव। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे कि ये ऑप्शन है यहाँ पे, देखो टाइमर अभी चल रहा है क्योंकि वीडियो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि मैं ये वीडियो इसी के ऊपर बना रहा हूँ। जैसे मैं इस बटन पर क्लिक कर दूंगा, ये वीडियो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। और ये चालू कहाँ से होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जगह तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है, इससे वीडियो जैसे आप प्ले करोगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक होने लगेगी। और इसमें क्या क्या ऑप्शन है मैं दिखाता हूँ। फिलहाल तो ये तीन ही ऑप्शन बेस्ट है, और ये तीन ऑप्शन में जो तीसरा ऑप्शन है बॉक्सा, उस बॉक्स पर क्लिक करके बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रश पर क्लिक कर रखा, क्योंकि आप देख सकते हो ब्रश का सरफेस यहाँ पे, आप लेफ्ट लेफ्ट साइड देख सकते हो, ये बीच में ब्रश का ऑप्शन है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये तो बाकी आप समझ जाओ। इसको अगर मैं अनेबल कर दूंगा तो ये हट जाएगा, और अगर मैं दोबारा चाहिए तो इसे मैं अनेबल कर देता हूँ, ये दोबारा आ गया। और अब देखो मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सरकर दे सकता हूँ, और मैं इन्हें काट भी सकता हूँ। और थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे जो इसका मेन्यू है, मेन्यू में ज़्यादातर कुछ है नहीं, मेन तो इन चार बटनों से ही काम होता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी और भी सेटिंग है, पर जो सबसे ज़रूरी सेटिंग है वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आपका रिसोल्यूशन है, यहाँ पे आप स्क्रीन फिट कर सकते हो, बीट रेट दे सकते हो, टाइम लैप्स भी है अगर आप डिसेबल इनेबल कर सकते हो तो वो कर सकते हो, फिक्स स्क्रीन ग्रीन है अगर आप फिक्स करना चाहते हो तो वो भी है, मैजिक बटन भी है। उससे उसका खैर इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बहुत लोग उसे करते हैं। काउंटर है, अगर जैसे आप अभी ये काउंटर वैल्यू, जैसे आप वीडियो स्टार्ट करेंगे तो ये काउंटिंग हो जाएगी तीन, अगर इसको आप चार पाँच छः भी कर सकते हो। कैमरा, ब्रश, लोगो, आप ये सब भी देख सकते हो। तो इसे आसान करना बहुत ही सिंपल है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।